हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज हम बात करेंगे फॉर्मिक में यूपेलिटेशन के बारे में कि हम फॉर्मिक फॉर्म्स के साथ में यूपेलिटेशन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछली बार जो हमने फॉर्म क्रिएट किया था उसमें हमने एरर्स वगैरह लगा लिए थे, बट इसमें कस्टम वैलिडेशन हमने लिखी थी। आज हम यू पैकेज का यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इस एरर मैसेज में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसमें हम दो चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले फॉर्मिक में, फॉर्मिक जो ऑब्जेक्ट है इसमें हमारे पास में एक की आती है टच्ड डॉट फर्स्ट नेम, जो हमारी फील्ड है, एंड फॉर्मिक डॉट एरर्स, जो एरर्स की में हमारे पास में अगर फर्स्ट नेम में एरर आएगा तो ही हम इसको दिखाएंगे। मतलब अगर ये कोई इस फील्ड को टच करेगा तभी हम इसको दिखाएंगे एरर को, वरना नहीं दिखाएंगे। जैसे हम ईमेल पे क्लिक करते हैं और बाहर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट नेम का एरर नहीं दिख रहा, बट बाकियों का देख दिख रहा है। बाकी सभी का एक साथ ही आ गया बिना सबमिट किए। अब हम फर्स्ट नेम पे टच करते हैं और इसको साइड में क्लिक करते हैं, इसका तब दिख रहा। तो हम बाकी सभी के लिए भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ऐसे एकदम से सभी सारे सारे एरर दिखाना ठीक नहीं होता विदाउट सबमिट। तो हम इन सभी को सेम कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में। अब हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी ये ठीक चल रहा है। अब हम इन वैलिडेशन, जो हम वैलिडेशन कीज में यूज़ कर रहे थे वैलिडेट, उसको हम अब यूप से कर देंगे, यूप से रिप्लेस कर देंगे। तो यूप के लिए सबसे पहले हम करेंगे यूप पैकेज इंस्टॉल। तो सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। तो ये है यूप का npm डॉक्यूमेंटेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि दो स्टेज स्टेप्स में वैलिडेशन होते हैं। सबसे पहले हमें स्कीमा क्रिएट करनी पड़ती है और उसको फॉर्मिक फॉर्म के साथ में कनेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद में हर एक फील्ड को भी हर एक फील्ड में वो एरर अपने आप कनेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें होता क्या क्या है, बाकी क्या क्या है। स्ट्रिंग के लिए हैं हमारे पास में वैलिडेशन, नंबर के लिए हैं, बुलियन के लिए है, डेट के लिए है, एरे के लिए है, और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी है। और भी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे लेंथ है, मीन मैक्स, एंश्योर है, कॉम्पैक्ट है, जैसे नंबर के लिए पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, ट्रंकेट राउंड, मीन मैक्स है। और स्ट्रिंग के लिए भी जैसे लोअर केस, अपर केस स्ट्रिंग, एंश्योर, यू यू आई डी भी आप चेक कर सकते हैं, यू आर एल भी चेक कर सकते हैं, ई मेल
तो ये सारे के सारे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हम एवरीथिंग करेंगे, इंपोर्ट एवरीथिंग या स्टार एज यूप फ्रॉम यूप। अब हम सबसे पहले एक स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कॉन्स्ट, ये साइन अप फॉर्म है तो साइन अप स्कीमा ये होती है। यूप से हमें एक मेथड मिलता है जो होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से हमें एक मेथड मिलता है जो होता है शेप। तो ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर एक और मेथड होता है शेप। शेप के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसमें हम अपना स्कीमा देंगे। तो इसमें की जो होगी वो होगी फील्ड नेम, जो भी फॉर्म की फील्ड है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, और वैल्यू होगी जो उसके लिए आप सेट ऑफ वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे। तो वो करते हैं, जैसे फर्स्ट नेम एक स्ट्रिंग है तो हम करेंगे यूप डॉट स्ट्रिंग, और हमें रिक्वायर्ड चाहिए ये। तो सबसे पहले स्टेप में स्ट्रिंग होनी चाहिए और रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो अगर रिक्वायर्ड अगर नहीं आता, इसमें कुछ भी एम्प्टी आती है, तो हम मैसेज जो प्रिंट कराएंगे वो होगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इस स्कीमा को हम अपने फॉर्म के साथ में कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले ये वैलिडेट वाला जो पहले हम यूज़ कर रहे थे इसको हटा देते हैं। तो इसमें हम करेंगे वैलिडेट वैलिडेशन स्कीमा की यूज़ करेंगे। इसमें हम जो हमारी साइन अप स्कीमा है इसको पास कर देंगे। तो ये हो गया, अभी हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये चल रही है, फर्स्ट नेम के लिए चल रही है। अभी हम इसमें और भी देख लेते हैं, आज जैसे देखते हैं ईमेल के लिए कैसी ये काम करती है। तो ईमेल के लिए यूप डॉट स्ट्रिंग, सबसे पहले तो स्ट्रिंग होनी चाहिए, और स्ट्रिंग में हमारे पास में एक मेथड आता है जो है ईमेल, क्योंकि हमने वैलिडे जो हमने इसका पैकेज देखा था उसमें आप अगर स्ट्रिंग में देखेंगे, ये देखिए स्ट्रिंग के अंदर है हमारे पास में ईमेल। तो स्ट्रिंग के अंदर ईमेल, और अगर ये ईमेल नहीं है, ईमेल के अंदर हम करेंगे रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हम करेंगे अगर रिक्वायर्ड मतलब अगर एम्प्टी आता है तो हम करेंगे दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, और अगर इनवैलिड ईमेल आती है तो हम इसमें मैसेज जो प्रिंट कराएंगे वो होगा इनवैलिड ईमेल। एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आ गया, अब कुछ भी इनवैलिड अब पास करते हैं तो ये इनवैलिड ईमेल दे रहा। अब इसको ईमेल उसमें लिखते हैं फॉर्मेट में, तो ये एरर मैसेज चला गया। तो ये इसके लिए हो गया ईमेल के लिए। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं फ़ोन नंबर के लिए, कि नंबर के लिए कैसे होता है। तो यूप डॉट नंबर डॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, पहली बात नंबर होना चाहिए और रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये आ गया। अब इसमें कुछ और करते हैं, नंबर डाल दिए तो ये चल रहा है, अगर कुछ अच्छा नंबर फील्ड है तो ये चलेगा नहीं, तो ये भी चल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड सबसे पहले हमारे पास में स्ट्रिंग होनी चाहिए और रिक्वायर्ड होना चाहिए, और एक हम देखेंगे कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो मेन मेथड में हम पहले पैरामीटर में लेंथ पास करेंगे और दूसरे में एरर मैसेज, जो भी हमें एरर मैसेज प्रिंट करवाना है अगर ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो हम रखेंगे मस्ट बी ऑफ 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग।
कि ये आ गया हमारे पास में पासवर्ड के लिए, इसको टेस्ट करते हैं, पासवर्ड आ गया, इसमें कुछ डालते हैं, ये देखिए जब तक 6 तक नहीं होगा ये मैसेज शो करेगा। अभी हम देखते हैं कंफर्म पासवर्ड के लिए, कंफर्म पासवर्ड के लिए ये अप डॉट स्ट्रिंग बाकी सेम रख देते हैं, रिक्वायर्ड के केस में दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, और दूसरा मेन रख देते हैं मिनिमम लेंथ, तो ये भी 6 मस्ट बी ऑफ 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। और तीसरा जो हम देखेंगे कि ये पासवर्ड फील्ड के इक्वल होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं वन ऑफ। तो वन ऑफ में हम दो पैरामीटर पास करेंगे, सबसे पहला होगा एक एरे पास होगा जिसमें हम रेफरेंस देंगे पासवर्ड फील्ड की या पासवर्ड वैल्यू की, जो भी पासवर्ड की वैल्यू होगी, तो उसको हम करते हैं, उसके लिए जो सिंटैक्स होता है वो होता है योप डॉट रेफ रेफरेंस, और इसमें हम पास करेंगे फील्ड का नेम जिससे हमने कंपेयर करना है, तो पासवर्ड इसमें डाल दिया हमने, और दूसरे पैरामीटर में हम पास करेंगे अगर ये मैच नहीं हुआ तो क्या एरर मैसेज प्रिंट कराना, तो पासवर्ड मस्ट मैच, ये हमने कर दिया कि अगर पासवर्ड मैच नहीं होगा। इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार, हमने पासवर्ड में डाला 6 कैरेक्टर का एरर आई मीन पासवर्ड, और अब हम कंफर्म पासवर्ड में डालते हैं, ये 6 कैरेक्टर का हुआ बट मैच नहीं हो रहा, तो अब हम ठीक पासवर्ड डालते हैं तो अब मैच हो रहा, तो ये कंफर्म पासवर्ड के लिए आ गया। इसके बाद हम देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, तो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने इनिशियली फॉल्स रखी हुई है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बुलियन, क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स ही रहेगा, तो इसमें हम लेते हैं यूप डॉट बुलियन, और हम इसके लिए वैलिडेशन लगाएंगे कि ये हमें ट्रू चाहिए, अगर ट्रू नहीं होगा तो हम एरर मैसेज थ्रो करेंगे, तो इसके लिए भी हम वन ऑफ यूज़ करेंगे। इसमें जो पहला पैरामीटर आएगा वो होगा एरे, एरे में वन ऑफ जो भी हमें जिसके इक्वल हमें चाहिए, हमें चाहिए ट्रू के इक्वल, तो अगर ये ट्रू के इक्वल नहीं होगा तो दूसरे पैरामीटर में हम पास करेंगे एरर मैसेज, तो हम इसमें डाल देते हैं प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अभी हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, ये देखिए आ गया, अभी हम इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं, इसको साइन अप करके देखते हैं, ये देखिए नहीं हो रहा अभी, और जैसे हम इसको करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे सबमिट करेंगे तो ये खुद ब खुद पूरी पूरी फील्ड शो कर रहा है, तो मतलब यूप से हमारी वैलिडेशंस बिल्कुल ठीक चल रही हैं। तो नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम कंडीशनल वैलिडेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर और वीडियोज़ ऐसी देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू।